हेलो फ्रेंड, 3 to 4 ईयर गर्ल के लिए रुमाली घेरे वाला स्कर्ट कटिंग स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया 1 मीटर कपड़ा। तो फ्रेंड चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम इस तरह से कपड़ा फोल्ड कर देंगे। इस तरह हमें 2 फोल्ड करना है कपड़े को। ये 58 इंच पने वाला कपड़ा है। तो फ्रेंड्स ये वाला फोल्ड वाला मेरे साइड है, जो सीधा हमने 2 फोल्ड किया हुआ। सबसे पहले हम घेरे का नंबाई देंगे। फिर लंबाई लेंगे 26 इंच, एक और लंबाई लेंगे 26 इंच का। और ये लाइन को सीधा कर देंगे। ये लाइन को सीधा कर लिया। हम घेरे का हम चौड़ाई लेंगे, जो चौड़ाई भी हम 26 इंच करेंगे, क्योंकि ये रुमाली घेरे वाला घेरा है, तो जितना लंबाई रहेगा घेरे का इतना चौड़ाई भी रहेगा। इस चौड़ाई भी हम 26 इंच, तो यहाँ पे भी 26 इंच निशान लगाने के बाद इस लाइन को सीधा कर देंगे। फिर लाइन को सीधा करने के बाद अभी से हम लाइन के ऊपर हम कटिंग कर देंगे। सबसे पहले हम फोल्ड वाला साइड हम कटिंग करेंगे। इसी तरह हम किनारे साइड जो हमने निशान लगाया इसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड देखिए हमने हमारा घेरा कट गया है। अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम कमर का गोलाई कट करेंगे। इस तरह से 1 फोल्ड करेंगे। इस तरह से अच्छे से हमें फोल्ड करना है, जितना हमारा पल्ला आगे पीछे ना हो। एक और फोल्ड इस तरह से कर लेंगे। और फ्रेंड यहाँ से हम जिधर ये फोल्ड वाला साइड है, यहाँ ये साइड से ये वाला खुला वाला साइड है, तो फिर यहाँ से जो हम कमर का गोलाई कट करेंगे। तो कमर का गोलाई जो है हमारा 24 इंच हमारा रेडी रहेगा। तो हम 4 फोल्ड है, इसके लिए हम 3.5 इंच में निशान लगाएंगे। एक साइड में हम 6 इंच रहेगा। इस कपड़ा 4 फोल्ड किया हुआ, तो इसे हम 3.5 इंच में निशान लगा कर कटिंग करेंगे। तो इस लाइन को राउंड शेप ले लेते, इसे नाप कर देख लेते कितना आ रहा है। फिर देखिए हमारा 6 इंच बड़ा परफेक्ट आ रहा है। 6 जो हमारा 4 थाई में कपड़ा क्या हुआ, तो ये हमारा 24 इंच हो गया। इससे आप कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स घेरा कटिंग करने के बाद हम लास्टिक पट्टी कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया ये 4 इंच चौड़ा और 24 इंच लंबा, जितना हमारा कमर का गोलाई है इतना हमें लास्टिक पट्टी भी देना है। तो फ्रेंड इस जितना आपका कमर का गोलाई है हिसाब से आपको लास्टिक पट्टी का लंबाई देना है, ये ध्यान रहे। फ्रेंड्स चलिए अब स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले दोनों घेरा जो हमने कटिंग किया उसको हम चारों तरफ फोल्ड करेंगे। फ्रेंड तो इस तरह से हमने डबल फोल्ड करने के बाद हम किनारे में सिलाई लगाएंगे। तो फिर इसी तरह एक एक करके हम चारों तरफ फोल्ड करेंगे, एक एक साइड करते हुए। तो फ्रेंड देखिए हम दोनों घेरा हमारा रेडी है फोल्ड करने के बाद। देखिए जितना बारीक हो सके इतना बारीक आपको फोल्ड करना है। तो फ्रेंड घेरा फोल्ड करने के बाद अब हम घेरा रुमाली घेरा जो हमारा
वो हम सेट करेंगे जिस तरह रहता है। तो फ्रेंड इस तरह से एक पल्ला हमें नीचे अच्छे सही करने के बाद ऊपर वाला हमें इस तरह से स्टार जैसा बनाना है। इस तरह से सेट करने के बाद हमें को कमर के गोलाई में हम सिलाई में ये जो सामने वाला पॉइंट है ये हमारा बॉडी का सामने रहेगा। और यहाँ पे हमें अच्छे से सेट करने के बाद एक सिलाई लगाएंगे कमर के गोलाई में। तो फ्रेंड देखिए हमने कमर के गोलाई में सिलाई लगा लिया अच्छे से सेट करने के बाद। तो अब हम सेंटर लगेंगे घेरे का। तो इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे। इधर से हमने दोनों साइड से कट लगा देंगे ताकि हमारा सेंटर मालूम हो जाए कि इधर है। तो फ्रेंड ये हमारा हो गया। अब हम लास्टिक पट्टी ऐड करेंगे इसके ऊपर कमर में। जो हमने लंबाई लिया 24 इंच लास्टिक का जितना कमर के गोलाई हिसाब से आपको लेना है। और लास्टिक हमने 16 इंच लंबा लिया। ये हमारा रेडी कमर का रेडी नाप है इतना लेना है, उससे आप 2 इंच कम लेना है। चलिए अब हम इसे ज्वाइन करते हुए तो फ्रेंड देखिए हमने लास्टिक को ज्वाइन कर लिया। गोल गोल कर लिया हमने इसे। तो अब हमें इसे उल्टे साइड से हमें सेंटर में कट लगा लेना है पट्टी में। इसके बाद उल्टे साइड से हम लगाएंगे प्लास्टिक पट्टी को। तो फिर देखिए हमने प्लास्टिक पट्टी को चारों तरफ अच्छे से हमें सिला लगा कर अटैच कर लिया अच्छे से। अब हम इस तरह से प्लास्टिक को रखते हुए हमने इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमने इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई जो नीचे वाला जो सिलाई है इसके ऊपर हमने ऊपर वाला सिलाई इसके ऊपर ठीक रखते हुए पट्टी को किनारी और सिलाई लगाना है किनारी के ऊपर। तो फ्रेंड देखिए हमें फ्रॉक रेडी है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।